फाइनली अभिजीत का न्यू फोन भाई वो वाला फोन भी दिखा देना एक बार, जिस फोन से हम लोग कितना सारा ब्लॉगिंग किया है। भाई होता है भाई भाई थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और अभी देख लो ऐसे ही हो रहा है, मैं जब से इधर आया हूँ ना, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4:30 बजे मैं उठ जा रहा हूँ सोकर। अभी इतना सुबह है ना, देख लो अभी तक सनराइज नहीं हुआ है। अभी ऐसे ही सुबह सुबह उठ जाता हूँ मैं, और सुबह सुबह उठते ही मैंने अभी जो मेरा टिकट वगैरह था उसको भी मैंने कन्फर्म कर लिया। हाँ जी, तो मैं बता दूं, मैं कल मतलब जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे साथ में निकल गया रहूंगा। मैं पहले जाऊंगा यहाँ से वाइजैग में, बस एक दिन रहना है मेरे को। फिर नेक्स्ट डे मैं निकल रहा हूँ सिकंदराबाद हैदराबाद के लिए। हैदराबाद में मेरा प्लान है 2-3 दिन स्टे करने का, लाइक वहाँ का जो बेस्ट बिरयानी सब होता है वो सब ट्राई करने का। तो कमेंट करके बता देना अगर मैं हैदराबाद में जा रहा हूँ तो कहाँ का बिरयानी मस्ट है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम में पूछा था तो भाई काफी लोगों ने बहुत कुछ रिकमेंड किया, फिर भी अगर ऐसा कुछ है कवर करने का तो बता देना। और वहां से मेरा और भी बहुत लंबा प्लान है, कैसे कैसे क्या होता है वो वीडियो में आप बने रहो, पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े होना, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके भेजना इस फैमिली का हिस्सा। वैसे कल रात में अभिजीत से बात हो रहा था तो अभिजीत ने फाइनली फोन डिसाइड कर लिया है कौन सा उससे लेना है कौन सा नहीं, तो वही अभी शाम तक जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो अभी एक काम करते हैं, जाते हैं अपने एडिटिंग करते हैं, चाय वाय पीते हैं, अब एक ही बार जब कहीं निकलेंगे ना तब वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो भाई साहब स्कूटी लेने के बाद तो ये टुक टुक राइड समझो एकदम खत्म ही हो गया था, क्योंकि कहीं भी जाना होता है स्कूटी लेके निकल जाते थे। लेकिन अभी हम लोग को जाना है यहाँ से पार्क स्ट्रीट, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे टुक टुक नहीं बोलते हैं, टोटो बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे सलगिया चौरस्ता तक, चौरस्ता से हमें मिल जाएगा बस जो डायरेक्ट पार्क स्ट्रीट जाएगा। हम लोग स्कूटी लेके भी जा सकते हैं लेकिन मेरे पास एक ही हेलमेट है, वो एक हेलमेट का फिर वो दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत दिन हो भी गया भाई, थोड़ा घूम भी लेंगे। और वैसे भी स्कूटी लेके जाओ, इधर पार्किंग कहाँ पार्किंग, और ऊपर से पार्क स्ट्रीट में पार्किंग का लेके बहुत दिमाग खराब होता है, ऊपर से इतना दिन से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया। और वैसे भी कल फिर निकलना है मुझे बाहर, आते समय आ जाएंगे आराम से एक ही बार कैब लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना 52 गाछी ब्रिज, अगर आपका जो भी ट्रेन है बिहार दिल्ली जम्मू ये सब साइड जाता है ना तो ये ब्रिज के नीचे से ही जाता है, इस वाले साइड हावड़ा स्टेशन है। ये देखो ट्रेन का ऑन का है ना, तो चलो जी हम लोगों को टोटो ही बोल सकते हैं, यहाँ चौरस्ता में उतार दिया है। पहले भाई वहाँ तक जाता था यार, बांधागढ़ तक जाता था, अभी ये चौरस्ता, ये हम लोग का चौरस्ता मोड़ है, वही हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, बस आगे की तरफ ही मिलेगा। तो भाई ये वॉकिंग करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं अपने बस स्टैंड के पास, ये देख लो यही बस है अपना, यहाँ का बस आपको मोस्टली बस घिसा हुआ मिलेगा। वैसे हम लोग हमेशा प्रेफर फर्स्ट वाला सीट करते हैं लेकिन फर्स्ट वाला सीनियर सिटीजन है तो सेकंड वाला सीट, ये बांग्ला में लिखा हुआ है, पॉकेट मार आते हैं सावधान, जो चोरी वोरी करता है ना उन लोग से सावधान रहे। बाकी देख लो यही बस अभी तो खाली है, पता नहीं हम लोग कितना देर बैठना पड़ेगा, सर 15-15 मिनट का होल्ड होता है ना। फाइनली हमारा बस तो निकल गया है लेकिन यहाँ पे ये रुकेगा थोड़ा देर, 15-15 मिनट का गैप होता है, 15 मिनट के गैप में ये एक एक करके बस होल्ड भी बोल सकते हैं, वो आते हैं 15 मिनट के लिए होल्ड करते हैं फिर वो निकलते हैं। और अभी ये जानबूझ के यहाँ पे रुकेंगे ताकि थोड़ा पैसेंजर आ जाए, और ऊपर से देख लो पूरा बस खाली है अभी। और जानता है भाई जब बस भीड़ आता था हम ऑफिस के लिए निकलते थे ना, हम उस वाला कोना पकड़ते थे, वो मतलब क्या जितना भी धक्का मुक्की हो तुम साइड में आके अपना चिपक जाओ बस, वहाँ जाते थे हेडफोन कान में, कान में हेडफोन बस। भाई वो जगह मतलब मेरा सबसे बेस्ट जगह था, बहुत लोग उस जगह भी। और भाई 10-11 बजे ये जो बस आप देख रहे हो ना भाई, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा, अभी तो लोग प्राइवेट वाला फील ले रहे हैं, अभी तो हम लोग लग रहा है कि यहाँ कहीं भी उठ के बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं 10 बजे के बाद आपको जगह नहीं मिलेगा। और अभी भी वहाँ से जो रिटर्न बस आ रहा होगा पूरा भर के, ये तो अभी सब जा रहा है इसलिए खाली है, जो रिटर्न आ रहा होगा ना वो आप ऑफिस टाइम के टाइम ही मतलब पूरा खतरनाक वाला भीड़ होता है। हम लोग को जाना किधर है, 1+ में ना। और ये देखते ही देखते अभी हम लोग पहुँच गए हावड़ा रेलवे स्टेशन, दीघा का बस स्टॉप है यहाँ पे देख लो, अगर दीघा वगैरह आप जा रहे हो तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगा। कैब का कितना दिखा रहा था भाई, 450 रुपया, 40 रुपए में हम लोग पार्क स्ट्रीट पहुंच जाएंगे। फाइनली अभी हम लोग स्प्लैनेड आ गए हैं, मेट्रो भी ले सकते थे लेकिन वॉक करके जा रहे हैं। और जस्ट पीछे में देख लो ओबेरॉय होटल, जिसपे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। फाइनली वॉक करते करते हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए भाई, 1.5-2 किलोमीटर तो होगा यार, 2 किलोमीटर इतना समझ में आ गया, अभिजीत के साथ घूमेंगे तो भाई दुबले हो जाएंगे। फाइनली देख लो हम लोग पहुंच चुके हैं 1+, पक्का तो भाई 1+ देखना है तो ठंडा ठंडा हवा। तो अभिजीत को ये वाला फोन पसंद आया है, 11 क्या है भाई, 1+11R 5G, भाई सच्ची यार मस्त है फोन ये, इसका कैमरा मेरे को बहुत अच्छा लगा ना, इसीलिए अभिजीत पसंद किया ना इसे। जो लोग कैमरा क्वालिटी इसका वाकई में बहुत अच्छा है, हम तो बोलेंगे यही वाला बढ़िया रहेगा, ये कलर भी बढ़िया लग रहा है फोन हमेशा ब्लैक। अरे 1+ का अभी कैमरा सब इतना बड़ा बड़ा क्यों कर दिया, सब पूरा बटन जैसा है, उसमें सोनी वाला कैमरा, इसीलिए
अच्छा सोनी वाला, इसमें भी सोनी का कैमरा लगा हुआ है ना, सेंसर है। ये तो 30,000 में आ जाएगा, उसका 45,000। ये भी मस्त लग रहा है भाई, उसमें चमक ज़्यादा अच्छा है भाई। वही अभी एक काम करते हैं, फाइनल करते हैं, बताते हैं आपको। फाइनली अभिजीत का न्यू फ़ोन भाई, वो वाला फ़ोन भी दिखा देना एक बार, ये फ़ोन से हम लोग कितना सारा ब्लॉगिंग किया है। ये भाई मस्त फ़ोन लग रहा था, 11R भाई देख लो, ये वाले फ़ोन से हम लोगों ने कितना सारा ब्लॉग किया है। ये Redmi Note 6 Pro है ना कि 7 Pro? अच्छा Note 5 है, ये Redmi Note 5 है। ओ भाई इससे भी बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है। चल कोई नहीं भाई, नया वाला फ़ोन अनबॉक्सिंग कर, देख कैसा है। भाई होता है भाई भाई थैंक यू। नहीं भाई, भाई ये लेके सेटल मत हो जाना, हमेशा अपग्रेड करने का सोचना। कवर भी मिला होगा शायद इसके साथ भाई। फोन दिखा, फर्स्ट लुक, फोन का फर्स्ट लुक दिखा। ओहो, ये आवाज ना भाई मस्त लग रहा है, ब्लैक वाला भाई। ओ भाई साहब, ब्लैक वाला कमाल का लग रहा है, मस्त लग रहा है। एक बार कान में लगा, कान में मस्त लग रहा है, एक नंबर एक नंबर भाई। हेडफोन भी चेक करना है, खोल के चेक कर ले भाई। भाई देख, इसके अंदर ब्लैक कवर भी आया हुआ है तेरा भाई, ब्लैक कवर मस्त लग रहा है भाई। सिल्वर वाले से काफी होता है, ट्रांसपेरेंट था सिल्वर वाला, ये मस्त लग रहा है भाई। वो येलो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट वाला, ये मतलब तू चला पाएगा लॉन्ग टाइम। इसमें ये टेम्पर ऊपर नहीं लगाना होगा भाई। वेट देख इसका, फास्ट चार्जिंग करेगा भाई। काम करते हैं, सब कुछ हो गया है, हेडफोन भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ मिला है बॉक्स में, ये क्या है भाई? रेड केबल क्लब एटा की दादा, एज ए टोकन वन प्लस है भाई साहब, बहुत कुछ आने लगा अभी। चलो ठीक है, ये सब एक काम करते हैं, सब सारा सेटिंग वगैरह करवाते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली भाई फोन लेना हो गया भाई, क्या मस्त लाइट है देख, लाइट यार मस्त है। देखो इतना साफ नहीं हूँ भाई मैं, इतना साफ नहीं हूँ, लाइट बहुत मस्त लग रहा है। और एग्जैक्टली अभिजीत ने यही फोन लिया देखो, 11R 5G। और साथ में एक सबसे बढ़िया क्या हुआ, एक वो बड्स, क्या बोलते उसको, ईयरबड्स भी फ्री मिल गया है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना, कैसा है कैसा नहीं है, बाकी मेरे को भी अभी सलून जाना है क्योंकि कल मेरा यहाँ से ट्रेन भी है, निकल भी रहा हूँ मैं, तो देखते हैं अगर आसपास में कोई सलून होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर। हाँ जी, तो सारा अपना फोन वगैरह का शॉपिंग हो गया, अभी जा रहे हैं हम लोग। फुचका खाने का मन कर रहे हैं, फुचका कहाँ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा अगर वो बैठा हुआ तो, बैठा हुआ तो ये नहीं होता। हाँ हाँ, जो रेलवे में काम रेलवे वाला, अरे यार हर चीज में कुछ याद आता है। देखते हैं जाएंगे, अगर आसपास में कुछ होगा तो खा भी लेंगे, वही फोन का पार्टी समझ के। बाकी अपना तो पार्टी हमेशा ही चलते रहता है यार। ये देख लो, देखते देखते हम लोग हावड़ा स्टेशन भी पहुंच गए, पीछे हावड़ा ब्रिज। तो देख लो भाई साहब, फोन वगैरह लेने का, कोई बिरयानी पार्टी करता है तो कोई कुछ पार्टी करता है तो कोई बारबेक्यू स्टेशन जाता है। हम लोग फोन लेने का क्या पार्टी करते हैं, कुछ का पार्टी। ये अपने शांति नगर का है भाई, जो लोग रेलवा शांति नगर से उनको पता होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे खाया है भाई कभी पहले, कैसा होता है यहाँ का, कमाल का होता है। अभी हमारा फेवरेट है, मतलब करंट फेवरेट यही है यहाँ, समझ लो जब भी मैं यहाँ रहता हूँ शाम के टाइम यहाँ एक ना एक बार आना ही है। कितना लोग से मिला भी है यहाँ पे, देख लाइए। चलो जी, अपना फुचका पार्टी हो गया है यहाँ पे, लेकिन एक चीज है भाई, कोई अच्छा चीज का शुरुआत कर रहा है, कोई अच्छा नया चीज लिया है, खट्टा से शुरुआत नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक मीठा भी खा ले भैया। ये तीन दे दो भैया, मुँह मीठा तो बनता है। हम लोग पहले मुँह खट्टा कर लिए, चीयर्स। सब खा लिया भाई, चीयर्स। यहाँ से मैं अपने रास्ते, अभिजीत अपने रास्ते। हाँ जी, तो कल मैं घर आया, सोचा थोड़ा बहुत पैकिंग कर लूंगा, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं निकल जाऊंगा। कल मैं सोचा चलो आके थोड़ा देर लेट जाते हैं क्योंकि बहुत जोर का नींद आ रहा था। मैं बताया ना अभी मेरे को रात के 8 या 9 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाता है, तो आते ही भाई इतना भयंकर नींद आया, मैं सो गया, ना मेरा पैकिंग हुआ है ना कुछ हुआ है। मतलब अभी मेरे को 1.5-2 घंटे में निकलना है और अभी तक मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब पैकिंग तक नहीं हुआ है। और वो भी जो ट्रिप में मैं जा रहा हूँ ना, मेरे को खुद भी आइडिया नहीं है वो 10 दिन का होगा या 20 दिन का होगा या फिर पता नहीं कितने दिन का होगा। कोई नहीं, चलो अभी पैकिंग कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा ट्रिप तो होता ही रहता है तो जो मेरा लगेज है वो हमेशा पैक ही रहता है, बस कुछ कपड़ा निकालना रहता है, कुछ डालना रहता है, तो यही सीन है। बाकी बहुत अच्छा लगा, चलो अभिजीत का भी न्यू फोन आ गया। इतने दिन से अभिजीत वही वाला फोन चला रहा था, रेडमी नोट 5। कुछ भी बोलो, वो जो नए फोन का खुशी होता है ना वो एकदम अलग होता है। खैर अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो एंड करके मेरे को एडिट करके जल्दी से पैकिंग भी करना है, फ्रेश भी होना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर निकलना भी है, अभी बहुत सारा काम है। तो चलो यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।